आप भारत की संसद के ठीक सामने मीडिया सेंटर में आए हैं और एनवायरनमेंट बचाने के लिए लोगों को कुछ संदेश दे रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं आप इतनी छोटी सी उम्र में, क्या बताना चाहते हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही मास एक्सटिंक्शन होगा हमारे आने वाले फ्यूचर में। इतनी सारी कोरल रीफ एक्सटिंक्ट हो रही है, इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ, जिससे कि रिक्वेस्ट करूँ MPs और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो क्लाइमेट बिल पास करें, एक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करें। तो आप ये दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ। आपने पार्लियामेंट ही जगह क्यों चुना यहाँ पर? क्योंकि यहीं से काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और जितना हमारा मैसेज स्प्रेड हो सकता है और जितना ज़्यादा होगा उस और उतने ही ज़्यादा लोग एक्ट करेंगे और उतने ज़्यादा लोग दूसरे लोगों को अवेयर करेंगे। यानी आपका मकसद है कि भारत के अंदर जो भी क्लाइमेट के चेंज हो रहा है वो ना चेंज हो और धीरे धीरे लोग इन्वायरमेंट को संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े, ये कर जाते हैं आप? हाँ, कि हम अपने अपने पर्सनल चेंज कर अपने ज़िंदगी में कुछ चेंज लाकर, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज़ करो, पेड़ लगाकर, इन सब चीज़ों को कर हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। और हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें क्लाइमेट बिल पास करवाएं। मैं एनवायरनमेंट को बचाना चाहती हूँ और मैं अपनी और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो सब पेड़ उगाएं, पेड़ बहुत ज़रूरी है, और पेड़ के बिना हम इस दुनिया पे हम नहीं रह पाएंगे, हम सब लोग मर जाएंगे, और इसलिए कृपया आप पेड़ पौधों उगाएं और आप सिंगल यूज प्लास्टिक मत यूज़ करो अपने अपने घर पे। और मैं यहाँ पे सामने पार्लियामेंट हाउस में हूँ और हमारे भारत के प्रधानमंत्री और जितने संसद क्या कहना है? मुझे उनको कहना है ये इस क्लाइमेट लॉ को पास कर दे। व्हाट इज योर डिजायर फॉर इंडियन पीएम एंड इंडियन आर्मी पार्लियामेंट मेंबर्स? व्हाट डू यू से ऑल इंडियन पीएम एंड ऑल मेरे पास थ्री मेन डिमांड्स है। नंबर वन इज टू पास दिस क्लाइमेट चेंज लॉ। इफ दे पास दिस क्लाइमेट चेंज लॉ देन वी कैन कंट्रोल द कार्बन इमिशन एंड ग्रीनहाउस गैसेस एंड दिस विल गिव द क्लाइमेट जस्टिस टू द पुअर वल्नरेबल पीपल हु आर द विक्टिम्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। Number second is to include climate change as a compulsory subject in our school education curricula. If they include climate change as a compulsory subject in our school education curricula, then we can fight the climate change from the grassroots, and it will also help us to teach our world leaders by their own children and grandchildren. Because they can't believe in science and climate change is real. Number third is children must plant minimum 10 trees every year. In India, there are 350 million students. If 350 million students plant minimum 10 trees every year, then we would plant 3.5 billion trees. Trust me, India will be green in after 5 years or 10 years. What is your name? My name is Lissi Priya Kanguja. Where are you living in? I'm living in Delhi.